हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की अपनी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज का डेट है पहला मार्च और चलते हैं। आज मार्च का पहला दिन है, ड्यूटी हम जा रहे हैं अभी। आज अकेले जा रहे हैं मेरे जो बंदे हैं और उधर अभी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज के डेट में क्या क्या होता है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस, अभी मैं चल के आ गया हूँ स्टेशन की तरफ और इधर आप लोग देख सकते हो ट्रेन खड़ी है और इधर रेलवे स्टेशन है जो कि मतलब इधर है। और ये देखो, आप सब देख सकते हो। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं ऊपर आप लोगों को। कहाँ गए भाई, देखो कितने सारे प्रेयर बैठे हुए हैं इधर। तो चलिए चलते हैं और अपन लोग इस साइड से चलेंगे। और गाइस, अभी मैं अपने घर से करीब 1500-1600 किलोमीटर दूर हूँ और इधर आके तो अच्छा भी लगता है लेकिन बट कभी कभी थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए क्योंकि घर की थोड़ा याद आती है। जब तक मतलब ड्यूटी टाइम में रहता हूँ तो नहीं, बट जब ड्यूटी से हटता हूँ तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। फ़िलहाल 2-4-10 दिन, 1 महीने की बात है, उसके बाद नहीं आएगा अपने। और हम इधर करीब 1 साल रहने वाले हैं, मेरा जो ट्रेनिंग है करीब 1 साल चलेगा। तो चलिए और आगे चलते हैं और आगे का आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या होता है। अपन इस रास्ते से चल रहा है और वो ब्रिज दिख रहा होगा आप लोगों को, उस ब्रिज के ही पास अपना ऑफिस है। फिर वहाँ से ऑफिस से चलेंगे, फिर वहाँ से ट्रेन मतलब जो इंजन है उसको लेकर निकलेंगे, साथ में उस पर कुछ सामान वगैरह, ये जो लाइनें लगी हुई हैं इसी का निरीक्षण करने के लिए लेकर निकलते हैं। और काफ़ी दूर दूर तक जाना होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं। और इधर रहा अपना ऑफिस, जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में भी दिखा रखा है, इधर जा रही है और इधर अजमेर स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं और ऐसे ही भी आप लोगों को आते रहेंगे और आगे आप लोगों को अजीब मतलब तरह तरह की चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो अभी पहुंच चुके हैं अपन लोग ऑफिस, ये रहा ऑफिस का लोकेशन। और आगे की अभी मेरा कॉन्फिडेंस उतना तो नहीं है, बट देखते हैं जो भी है दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे पावर आ रहा है अंदर, क्योंकि बोलने का अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तक मैं मतलब कंटिन्यू किया होता तो हो गया होता, बट मैंने मेरा फ़ोन बीच में ख़राब हो चुका था, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, तो इस वजह से कंटिन्यू हो नहीं पाया। और ये रहा अपना पीछे का ऑफिस, ऑफिस मतलब यहीं से हम लोग अभी जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, जहाँ का लोकेशन मिलेगा और इधर से एंटर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और धूप काफ़ी अच्छा हो चुका है आप लोगों की। तो चलिए, यहाँ पहुँच चुके हैं अपन ऑफिस के पास। और ये रहा ऑफिस अपना, ऑफिस अपना मतलब आ भी चुके हैं कुछ लोग। और चलिए, और यहाँ है मंदिर छोटा सा। तो जय हो शंकर भगवान, देवी देवता। अरे चलिए गाइस, अपना काम शुरू होने वाला है। फिर हम आ चुके हैं उसी जगह जहाँ से कल की शुरुआत हुई थी और इसको इंसुलेटर है, इसको ले चलते हैं, लगाना है आज कई जगह। तो अभी सर लोग आ रहे हैं और उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि आज किस क्षेत्र में चलते हैं और क्या क्या होता है, आप सभी लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली जिस चीज़ से हम लोग मतलब जाते हैं चेकअप करने के लिए, उस चीज़ को टावर बोला जाता है। और एक तरह से ये नॉलेज वाली वीडियो भी है, क्योंकि जो बंदे मतलब ऐसे कुछ बंदे अगर लाइफ में कभी देखते हैं इस वीडियो को कि ट्रेनिंग का, तो उसको टावर बोला जाता है ट्रेन के अंदर। और अभी अपन लोग मदार जंक्शन से आगे चल रहे हैं, आप लोग इधर पीछे का सीन देख सकते हो क्या ही है। और दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब कुछ चीज़ें जो मुझे अभी तक पता चला है उसके बारे में बताता हूँ। गाइस, ये है ड्राइव कंट्रोल पैनल, इधर देख सकते हो लिखा भी है यहाँ पे। और ये है हैंडल और वहाँ पे वो पीला वाला हॉर्न है और एक हॉर्न ऊपर है रेड वाला। और इधर ये जो दिख रहा है ये भी हॉर्न है और वो भी पीला वाला हॉर्न है। और यहाँ दिख रहा होगा ये जो है, ये मीटर बताता है कि कितने स्पीड से ट्रेन चल रही है। और बाकी चीज़ें जैसे जैसे जानकारी होंगी बताते चलेंगे। और इधर का लोकेशन आप लोग देख सकते हो, अभी हम पीछे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज का क्या सीन होता है। और ये रहा कुछ लोकेशन, इस तरीके का होता है अंदर, और सीट इस तरीके का होता है, देख लीजिए। ये है लोको पायलट का सीट और इधर इस तरीके का है सारा चीज़।
उधर ये सब देख सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सीखने के लिए काफ़ी दिन लगेगा। और ये रहा सीट सिंगल, और ये रहा लोको पायलट के लिए सिंगल सीट, और इस पर दो तीन बैठ जाते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें दिखाते हैं, और इधर पहाड़ों का नज़ारा देखने को पा जाएंगे आप। और इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो देखते हो देखते को देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अजीब सा लगता है, क्योंकि अपना उतना अभी अपना उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सभी के सामने बोल पाऊँ, तो थोड़ा सा अभी डर भी लगता है। और अंदर का उन लोग मतलब लोगों वाले जो हमारे सर हैं उनके साथ इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है हमारा हो, क्योंकि एक दिन मैंने पूछा कि सर वीडियो शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि कर सकते हो, बट ट्रेन इंजन जो पैनल है उसको दिखाना थोड़ा सा प्राइवेसी में रखना चाहता है, तो इसलिए सारी चीज़ें खुल के नहीं दिखा पाते। और इधर लोकेशन कर सकते हो आप, कल जैसे मैंने दिखाया इधर, और पीछे मतलब चारों तरफ ही पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं इधर। अभी जिस रूट पे कल गए थे उसी रूट पे आज भी जा रहे हैं, क्योंकि कल जो हुआ पूरा काम हो नहीं पाया था, तो उसी रूट मतलब उसी चीज़ को आज भी सही करने जा रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि इधर का क्या लोकेशन है, अभी कितना अच्छा लग रहा है व्यू, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक आज पीछे का व्यू है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने डाल रखा है कुछ कुछ चीज़ें। कैमरा कुछ पीछे का खास नहीं है, इस वजह से मतलब ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है। फिलहाल जिस तरीके का दिख रहा दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसी तरीके का दिखता है। और चारों तरफ भी पहाड़ है, और इन पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे घर मतलब काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इधर जो घर वगैरह हैं शायद उबड़ी खाबड़ी होने की वजह से, पहाड़ों के बीच होने की वजह से छोटे छोटे बनाए गए हैं। चलिए और चलते हैं आगे की चीज़ दिखा दें आप लोगों को कि क्या है कैसा है। मिलते रहेंगे इसी तरह के ब्लॉग वीडियो में अगले आने वाले एक साल। और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के ब्लॉग चैनल पे। तो इस तरीके का गाइस एकदम पहाड़ ही पहाड़ है इधर, और चट्टाने खूब बड़ी बड़ी हैं देख सकते हो। एक चीज़ कॉमन देखने को मिला गाइस इधर कि मतलब इधर ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसी तरीके का है अपने इधर जैसा नहीं, आम इमली जो भी मतलब अपने इधर होता अपने उत्तर प्रदेश में, कि हर एक तरह की पेड़ तो देखने को मिल जाए, इस इधर इस तरीके का नहीं है। बस इधर चट्टाने हैं बड़ी बड़ी और यही कांटे वाले सब पौधे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जो चीज़ निरीक्षण होगा उसको नोट करने के लिए, तो अभी हम जा लिए कॉपी और पेन लेने के लिए। और शहर काफ़ी अच्छा है, नीचे देख सकते हो आप लोग, और इधर अपने रह दो और चलते हैं देखते हैं और आज क्या होता है, आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं देखते हैं। और इधर कहाँ जा रहे हो भाई? सभी खाना होना हम जो है मतलब खा के आ गए हैं, और आज हमने खाया बिरयानी जो कि बहुत ही अच्छा था। और आज की ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।